हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज वेमा। मैं आज आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पेडागोजी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं पेडागोजी के अंतर्गत विकलांग बालक, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकलांगता कुछ जन्मजात नहीं होती है, या किसी भी रूप में हो सकती है। अर्थात कोई बच्चा जन्म से विकलांग होता है, तो कोई बच्चा किसी भी प्रॉब्लम या अचानक दुर्घटना, बीमारी या किसी भी कारण शरीर के किसी भी अंग में दोष हो सकता है। वह बालक जो शारीरिक रूप से सामान्य बालक से भिन्न है एवं सामान्य बालक की तुलना में उनके शरीर में किसी न किसी प्रकार की अक्षमताएं पाई जाती हैं एवं उनका शरीर हर काम को करने के लिए सक्षम नहीं होता, अर्थात तत्पर नहीं होता है। उनके शरीर में दोष होता है जिन्हें हम विकलांग की श्रेणी में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विकलांग की परिभाषा में क्रो एंड क्रो महोदय ने अपने अकॉर्डिंग कहा, एक व्यक्ति उसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, तो उसे हम विकलांग बालक कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।